हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस, आज मैं दो एनिमेटेड मूवी लाया हूँ जो फुल ऑन कॉमेडी एंटरटेनमेंट है, मतलब बच्चों के लिए भी अच्छे हैं। कॉमेडी मजा क्या, सब कुछ एकदम धांसू है इसके अंदर, थोड़ी स्टोरी भी बहुत अच्छी है इसमें। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो के अंदर चलते हैं। ये एनिमेटेड मूवी है, सब देख सकते हो। जो भी मेरे जैसे बच्चे की तरह देखते हैं बच्चों भी देख सकते हैं, जो मेरे तरह बचपन आया है उनके अंदर वो भी देख सकते हैं, और जो नहीं है उनके वो भी देख सकते हैं। बहुत अच्छी मूवी है। तो बिना टाइम वेस्ट करे अपने वीडियो के अंदर चलते हैं। उससे पहले जो भी मेरे वीडियो पर नया आया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एक लाइक कर दें, कमेंट करें जो मूवी आपको अच्छी लगी, और ज़रूर शेयर कर दें। गाइस, दिल से सपोर्ट करना, दिमाग से नहीं। ठीक है गाइस, टाइम वेस्ट करके वीडियो के अंदर चलते हैं। तो अपनी पहली मूवी आती है गारफील्ड, अ टेल ऑफ टू किटीज। भाई ये स्टोरी एकदम धांसू स्टोरी है। इसमें जो है दो कैट हैं, दो बिल्लियां हैं, जो दो बिल्लियों के अंदर सेम ही, मतलब लुक सुक सब सेम है, सब कुछ सेम है, पर दोनों अलग अलग जगह हैं। पर एक जो बिल्ली है उसका नाम है गारफील्ड है, जो कि एकदम मिडिल क्लास लाइफ जीता है, मिडिल क्लास लाइफ जीता है, मतलब मिडिल क्लास फैमिली में रहता है। एकदम धांसू मजाक टाइप है, मतलब फुल मस्त मजाक एंटरटेनमेंट वाला कैट है। अपने मालिक जॉन, उसका मालिक का नाम है जॉन, उसकी बात को एकदम मजाक बनाता रहता है, हर चीज़ में मजाक। उसके साथ एक डॉग भी रहता है, उस डॉग जो है उस गारफील्ड नाम कैट के साथ साथ देता है हर जगह पर। और जो अपना दूसरा कैट है वो एकदम भाई हाई लाइफ, मतलब हाई क्वालिटी लाइफ जीता है, एकदम प्रिंस है उसको, एकदम पैलेस में रहता है। उसको सभी स्टाफ, जो भी यहाँ के स्टाफ रहते हैं, पैलेस जानते हो ना एकदम महल की तरह, तो वहाँ के जो स्टाफ्स होते हैं उसको प्रिंस के नाम से बुलाते हैं, उस कैट को भाई कैट को प्रिंस के नाम से बुलाते हैं। इसका यही कारण है, जो उस पैलेस की महारानी थी ना, उसके मरने के बाद उस महारानी ने अपनी पूरी जायदाद इस बिल्ले के नाम लिख के चली गई। भाई ऐसे कोई मारा नहीं है, तो मेरे नाम में भी दो चार जायदाद लिख के चल रहा है। मैं तो बिल्ला तो नहीं है पर इंसान हूँ, कोई बात नहीं। ये कैट मरने के बाद लिख जाती है, पर यही बात है, जो प्रिंस कैट के साथ ना और साथ बहुत सारे एनिमल होते हैं जो कि महारानी को बहुत पसंद है। महारानी को क्या, एनिमल लवर होती है तो उसको बहुत पसंद रहता है, वो बिल्ली, कुत्ता, गाय, पिगीस, बहुत कुछ, मतलब चिड़ियाएँ बदलती है, बस बहुत कुछ पालती है वो, उन सबको रखती है। तो ये ऐसे कुछ अच्छा खासा चलता रहता है। पर एक इसमें भी एक छोटा सा एक आदमी आता है, मतलब ट्विस्ट है इस आदमी का, कि जो आदमी है ना एकदम वैसा रूड है, खड़ूस आदमी, उसको क्या लालच है हड़पने की। तो जैसे कि महारानी मरने के बाद महारानी ने क्या करा कि बिल्ली के हाथों में लिखवा दिया कि भाई ये सारी जायदाद का प्रॉपर्टी का एक ही ओनर है। अब उसको आगे गुस्सा भी, बिल्ली को मार कर सारी जायदाद हड़पना चाहता है, और इसी में ट्विस्ट पर ट्विस्ट लाता है हमारा दूसरा कैट गारफील्ड। भाई इसमें क्या ट्विस्ट लाता है, जो अपना गारफील्ड जो दूसरी जगह रहता है और ये अपना जो प्रिंस कैट जो महल में रहता है, ये दोनों की जगह चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हो जाती है ये भाई तुम स्टोरी में देख लेना, उसमें भी बहुत सारे धांसू है भाई, शुरू से लेकर एंड तक। जो अपना गारफील्ड कैट है ना, जो मजाक वाला, एकदम धांसू मजाक करता है यार, तुम हंस हंस के पागल हो जाओगे। मैं तो बहुत हंसा था भाई, मैं हर चीज़ में एंटरटेनमेंट है, हर चीज़ में ऐसे बोल ही नहीं पाओगे कि भाई हाँ इस जगह पर हंसी नहीं आएगी। हर जगह कहीं पर भी जाएगा वहाँ पर भी शरारत कुछ ना कुछ तो करता रहेगा, जैसे उसकी बचने के तरीके हो, जो खाने की तरीका हो, या उसको बचाने का तरीका हो, सब कुछ एकदम एंटरटेनमेंट वाला जाता है, मतलब कोई दिमाग नहीं लगाना। तो ऐसे चलते रहते हैं, जो अपने दोनों बिल्ली हैं जो है ना बदल जाती हैं। जैसे कि जो अपना वो आदमी है ना, वो तो क्या करता है, जो प्रिंस कैट को एक टोकरी में डालकर नदी में बहा देता है, वो नदी में बहते 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 अपने यहाँ पे आ जाती है लोकल साइड पे। और जो अपना अपना बिल्ला है गारफील्ड, वो दिख जाता है, वो एक महल के स्टाफ की आंखों में दिख जाता है। तो वो बोलता है भाई ये अपना प्रिंस तो वापस मिल गया, तो अपन प्रिंस को लेके वापस चल जाते हैं महल में। तो ये बंदा क्या करता है, वो दूसरी बिल्ली को उठा कर अपने पैलेस में चल जाते हैं, और वो बिल्ली पता नहीं अचानक से उस मालिक के आंखों में आ जाती है, वो अपने घर ले जाता है। तो ऐसे उन दोनों की जगह चेंज हो जाती है। पर इसमें भी बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है भाई। फिर जो ये अपना बंदा है ना, अपना बंदा मतलब अपने जो बिल्ली है, बिल्ला है भाई, एकदम धांसू मजाक करता, जो उसको मारना चाहता था उसकी तो फाड़ देता है, सब कुछ करके फाड़ फूड़ देता है, मतलब एकदम बहुत बढ़िया है भाई। एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं है, एकदम धांसू मूवी है, फन वाली है, उसकी कॉमेडी टाइमिंग एकदम परफेक्ट रहती है उस बिल्ले की। मतलब इस मूवी का थोड़ा सा प्लॉट यही है, मतलब थोड़ा सा स्टोरी यही है कि भाई जो उसको हड़पना चाहता है ना, उसको दिमाग ठिकाने लगाना है, और जो अपना पुराने मालिक रहने में वो अपने पुराने मालिक के पास जाना चाहता है, और जो प्रिंस है वो अपने महल आना चाहता है, बस यही है। पर ये अदला बदला हो जाती है, उसको मारना पड़ता है, मतलब बहुत कुछ अच्छी खासी ट्विस्टेड वाली स्टोरी, मजे आते हैं, मतलब एकदम धांसू स्टोरी। चल दूसरा मूवी आती है अपनी ज़ूटोपिया। ये भी एनिमल मूवी है भाई, इस एनिमल वर्ल्ड, ये एक ऐसी मूवी है जहाँ पे एनिमल वर्ल्ड है, एनिमल का अलग ही दुनिया है, वहाँ का उनका अलग ही सिस्टम है, सब कुछ वही है, मतलब एकदम अपने जैसे सिटी में रहते हैं, जैसे कि अपने लिए मोबाइल से वैसे फ़ोन है, वैसे एनिमल के लिए भी सब कुछ है, सारी सुविधाएँ हैं, ट्रेन से लेकर मोबाइल से लेकर इंटरनेट से लेकर सब कुछ है। तो वहाँ पे एक छोटी सी बनी है, जो बनी रैबिट है, जो पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है, पर आज तक कोई बनी रैबिट को पुलिस ऑफिसर बना नहीं पाया,
फिर भी ये बहुत कोशिश करके जरूर से जरूर बनूंगा, ऐसे सब कुछ मेहनत करके ये जूटोपिया डेवलप्ड सिटी की पुलिस ऑफिसर बन जाती है। पर इसके पुलिस ऑफिसर बनने के बाद सबसे पहले उसे चालान काटने का काम मिलता है भाइयों। अब ये बंदी क्या करती है भाई, किसी ने नहीं करा तो अपन तो भाई चालान काटने का, हमें सबका चालान काटते रहती है हर जगह, मतलब किसी ने नो पार्किंग में रखा उसका चालान, कोई स्पीड से आया उसका चालान, सब सारे लोग गुस्सा कर देते हैं पहले ही दिन में, तस्क कर देती है। तो फिर इसको ऐसा करने के बाद फिर एक छोटा सा बाहर एक लोमड़ी मिलता है, लोमड़ी और उसके छोटे बेटे के साथ, तो वो लोमड़ी के बेटे के साथ वहाँ पे एक आइसक्रीम पार्लर के बाहर खड़े होते हैं। तो उनको अंदर जाते हैं ना, वो बोलते हैं भाई पैसे चाहिए, उसके पास पैसे नहीं होते तो अपने बेटे को आइसक्रीम नहीं दिला पाता। तो ये पुलिस ऑफिसर जाके थोड़े से पैसे देके उनको आइसक्रीम दिला देती है। फिर ये सोचती है कि ये बाप और बच्चे कहाँ जाते हैं, इनका पीछा करेंगे एक बार, तो ये पीछा करती है। तो पीछा करने के बाद ही जो बाप और बेटे ना, या असली में बाप बेटे नहीं होते, ये एक होता है मालिक और एक होता है उसका हेल्पर, जो छोटा सा बच्चे की तरह रूप में रहता है वो होता है मालिक, और जो बड़ा वाला लोमड़ी है वो है हेल्पर। वो क्या करते हैं, जंबो आइसक्रीम आती है ना एकदम बड़ी वाली, वो आइसक्रीम लेके जाके उसको पिघला कर उसको छोटी छोटी आइसक्रीम में कन्वर्ट करते हैं और उसको बेच देते हैं। मतलब उन्होंने जो 50 रुपये में लिए उसको 50,000 बनाते हैं, मतलब 5,000 बनाते हैं, ऐसे काम करते हैं। तो उसको देखकर रैबिट को गुस्सा आता है, तो उसको मतलब पकड़ लेती है। फिर अगले फिर उसको पकड़ने के बाद वो बोली, जब भी मैं तुम्हें काम के लिए बुलाऊँ तुम्हें आना पड़ेगा, तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, ऐसे बोल के डरा देती है। फिर उसके बाद बंदी को एक मतलब उस रैबिट को एक केस मिलता है। उस रैबिट को क्या केस मिलता है कि भाई एक बंदा एक वहाँ का जो एनिमल है वो खो जाता है। तो उसकी वाइफ आके बोलती है, जो वाइफ एनिमल है वो आके बोलती कंप्लेंट देती कि भाई मेरा आदमी जो है आया नहीं, ऐसे ऐसे नहीं है। तो उसको ये केस मिलता है, तो उसको इस केस में बहुत कुछ छानबीन करती है, मतलब इस केस को अंजाम देती है हर तरीके से, हर जगह मतलब इन्वेस्टिगेशन करती है, फिर भी उसको मिलता नहीं है। फिर ये सोचती है अपने चालाक लोमड़ी को बुलाते हैं, तो लोमड़ी का यूज़ लेकर उसकी मदद जरूर पड़ती है, उसको यूज़ करते करते फिर दोनों एक साथ इस काम को अंजाम देते हैं लगातार। फिर इसमें बहुत अच्छा ट्विस्ट आता है, जो एंड में आता है वो ट्विस्ट, वो तुम देखना यार, जरूर ऐसे हो सकता है कि तुम सोचो कि हाँ पर हो सकता है भाई, फुल एंटरटेनमेंट की गारंटी देता हूँ। इसमें एनिमल्स का एकदम सही तरह से यूज़ किया भाई, जो भी एनिमल्स है जैसे कि स्लॉथ जैसा एकदम आलसी एनिमल का भी यूज़ हुआ है, और एकदम तेज चीता जैसे एनिमल का भी एकदम फन एंटरटेनमेंट यूज़ हुआ है, भैंस भी है, चीता भी है, हाथी भी है भाई, जरूर ज़बरदस्त कॉमेडी वाली मूवी है, तुम जरूर देखना, बढ़िया से बढ़िया देखोगे और फुल एंटरटेनमेंट मिलेगी भाई। तुम्हें लिंक तो कहीं से भी मैं दे नहीं सकता, क्योंकि भाई हर कोई तो डाउनलोड तो कहीं से भी कर लेता है, टेलीग्राम में मिल जाएगी, यूट्यूब कहीं पे भी देख लेना, यूट्यूब पे भी शायद किसी ने अपलोड कर रखी होगी क्या पता मुझे, पर तुम्हें ये मूवी देख लेना। ओके गाइस, ये दोनों एनिमेटेड मूवी जो एडवेंचर कॉमिक मूवी रिलेटेड हैं, अभी तक बहुत लोगों ने कार्टून और एनिमेटेड मूवी देखते हैं, जो उन लोगों के लिए ये मूवी अच्छी नहीं लगी जो कार्टून मूवी आज तक नहीं देखा, पर ये देखेंगे तो वो अच्छा लगेगा। ओके गाइस, आप लोगों को ये मूवी अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय गाइस, और कोरोना के टाइम में स्टे सेफ, स्टे होम, बाय।